अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएमडी के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और ये लाहौर में वाकया है। ये 1990 में इस्टेब्लिश हुई और इसने अपने अभी एडमिशन्स फॉल 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसकी बात करें तो इसकी फीसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि अगर देखा जाए तो बेस्ट यूनिवर्सिटी अगर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड के रिलेटेड डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। इसमें अगर हम बात करें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की, तो यूएमटी में कुछ बीएस, एमएस, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अगर हम बात करें इसमें जो है वो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के प्रोग्राम्स में, तो इसमें बीबीए है, पोस्ट एडीपी है, उसके बाद बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीआईएस, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पोस्ट एडीपी, बैचलर ऑफ ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस इकोनॉमिक्स पोस्ट डीपी, बीएस एंटरप्रेन्योरशिप, एग्जीक्यूटिव एमबीए वीकेंड, एमबीए इवनिंग, एमबीए, एमएस बिजनेस एनालिटिक्स, एमएस इकोनॉमिक्स, एमएस इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, एमएस फाइनेंस, एमएस मैनेजमेंट, एमएस मार्केटिंग, एमएस सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एमएस स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पीएचडी इकोनॉमिक्स, पीएचडी स्टैटिस्टिक्स, पीएचडी इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, पीएचडी मैनेजमेंट। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में बी आर्किटेक्चर, बी एस सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, बी एस रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, बैचलर ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्चर, बी एस बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर। स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में बी कॉम, बी कॉम पोस्ट डी पी, बी एस अकाउंटिंग, बी एस अकाउंटिंग पोस्ट डी पी, बी एस बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, बी एस बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग पोस्ट डी पी, बी एस ई कॉमर्स। स्कूल ऑफ प्रोफेशनल एडवांसमेंट में बैचलर ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, बैचलर ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज पोस्ट एडीपी, बीएस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बीएस हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वीकेंड। स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी में एलएलबी और एलएलएम है। उसके बाद स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बीएस सिविल इंजीनियरिंग, बीएस रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमएस सिविल इंजीनियरिंग, एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमएस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, एमएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पीएचडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पीएचडी सिविल इंजीनियरिंग, पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। स्कूल ऑफ डिजाइन एंड टेक्सटाइल में बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ टेक्सटाइल डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन, बीएस टेक्सटाइल्स, एमएस टेक्सटाइल और पीएचडी टेक्सटाइल। स्कूल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल साइंसेज में बीएस फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ADP Food Science and Technology, BS Food Science and Technology Post ADP, MS Human Nutrition and Dietetics, MS Food and Quality Management, MS Food Technology, PhD Food Technology, PhD Human Nutrition and Dietetics, School of Governance and Society में ADP Public Administration, BS Public Administration, BS Public Administration Post ADP, MS Public Policy, MS Public Policy for Regular Government Employee, इंस्टीट्यूशन ऑफ एविएशन स्टडीज़ में बी एस एविएशन मैनेजमेंट, बी एस प्रोफेशनल फ्लाइट टेक्नोलॉजी, बी एस सी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद ई ए एस ए पार्ट 66। उसके बाद स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम है जिसमें बी एस ऑप्टीमेट्री एंड विजन साइंसेज है, बी एस मेडिकल इमेजिंग एंड अल्ट्रासोनोग्राफी है, बी एस मेडिकल लेबॉरटरी टेक्नोलॉजी साइंसेज, ए डी पी मेडिकल लेबॉरटरी साइंसेज, बी एस न्यूट्रिशन साइंसेज, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी। उसके बाद स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी है जिसमें बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज और पोस्ट एडीपी प्रोग्राम्स, एमफिल मीडिया एंड कम्युनिकेशन, पीएचडी मीडिया कम्युनिकेशन। स्कूल ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी में बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी, बीएस साइकोलॉजी, बीएस साइकोलॉजी पोस्ट एडीपी, एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमएस काउंसलिंग साइकोलॉजी, पीएचडी क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमफिल साइकोलॉजी और पीएचडी साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज में बीएस एजुकेशन, बीएस सोशियोलॉजी, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस, बीएस स्पेशल नीड्स एजुकेशन, बीएस पॉलिटिकल साइंस, बीएस सोशियोलॉजी पोस्ट बीए बीएससी, बीएस जेंडर स्टडीज, बीएस स्पेशल नीड्स एजुकेशन, एमफिल इंटरनेशनल रिलेशंस, एमफिल एजुकेशन, एमफिल पॉलिटिकल साइंस, एमफिल सोशियोलॉजी, एमफिल स्पेशल एजुकेशन, एमफिल इस्लामिक स्टडीज, एमफिल इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन, एमफिल एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, एमएस सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट और पीएचडी एजुकेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स में बी एस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, बी एस इंग्लिश लिटरेचर, बी एस इंग्लिश लिटरेचर पोस्ट डी पी, बी एस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स पोस्ट डी पी, एम फिल अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, पी एच डी इंग्लिश लिटरेचर, पी एच डी इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स और पी एच डी इंग्लिश लिटरेचर है। उसके बाद हमारे पास स्कूल ऑफ सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी में बी एस कंप्यूटर साइंस, बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बी एस कंप्यूटर साइंस पोस्ट डी पी, बी एस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी एस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी एस डाटा साइंस, बी एस साइबर सिक्योरिटी, एम एस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एम एस कंप्यूटर साइंस, एम एस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
एमएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एमएस डाटा साइंस, एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पीएचडी कंप्यूटर साइंस, फार्म डी प्रोग्राम है। उसके बाद स्कूल ऑफ फार्मेसी में, स्कूल ऑफ साइंस में बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस जूलॉजी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस माइक्रोबायोलॉजी, बीएस फिजिक्स, बीएस जूलॉजी पोस्ट एडीपी, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस केमिस्ट्री, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस माइक्रोबायोलॉजी, बीएस फिजिक्स, बीएस मैथमेटिक्स पोस्ट एडीपी प्रोग्राम्स, एमएस बायोटेक्नोलॉजी, एमएस बायोकेमिस्ट्री, एमएस मैथमेटिक्स, एमएस फिजिक्स, एमएस केमिस्ट्री, एमएस मैथमेटिक्स वीकेंड प्रोग्राम्स, एमएस फिजिक्स, पीएचडी केमिस्ट्री, पीएचडी मैथमेटिक्स, पीएचडी फिजिक्स। कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ग्राफिक डिजाइन, साइकोलॉजी, इंग्लिश, फैशन डिजाइन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज। ये तमाम प्रोग्राम्स यूएमटी में ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो इसमें कुछ प्रोग्राम्स के लिए आपके जो हैं वो 35% मार्क्स आपके होने चाहिए, जैसे कि इकोनॉमिक ई कॉमर्स प्रोग्राम है, बिजनेस मैनेजमेंट है। उसके बाद बाकी जो आर्ट्स के प्रोग्राम्स हैं उसके लिए आपके 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर आपने ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटिक्स में एडमिशन लेना है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में एडमिशन लेना है, तो आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद टेस्ट लाजमी है, एडमिशन टेस्ट यूनिवर्सिटी अपना कंडक्ट करेगी। अगर स्टूडेंट्स ने कोई टेस्ट अगर दिया हुआ है, जैसे कि जो यूईटी का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, अगर आपने वो दिया है, उसके बाद एनईडी का टेस्ट दिया है, नेस्ट का, एनटीएस का, ईटीईए का, कोई भी टेस्ट अगर आपने दिया है वो भी इधर वैलिड है। उसके बाद इसमें एमएस प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो एमएस प्रोग्राम्स के लिए आपका 2 CGPA आपका कुछ प्रोग्राम के लिए आपका होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका जो है वो 50% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में अगर आपने आपके होने चाहिए। ये पोस्ट एडीपी प्रोग्राम्स के लिए था। उसके बाद जो इसका जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे कि एमएस प्रोग्राम्स, एमफिल प्रोग्राम्स, इसके लिए आपकी 16 ईयर एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 2 CGPA के साथ। उसके बाद आपका कोई भी टेस्ट दिया होना चाहिए, या फिर आपका गैट टेस्ट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपको यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना पड़ेगा, 50% मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे और साथ इसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और आपके 70% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आपने जो है वो यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है तो। अदरवाइज अगर आपने कोई गैट टेस्ट दिया हुआ है, तो उसमें आपके 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और अगर आपने एनुअल सिस्टम स्टडी किया, तो आपके 60% मार्क्स आपके होने चाहिए एमएस एमफिल में, तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर्स की, तो इसमें जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की टोटल फी 11 लाख, तकरीबन 1,18,125 है, ये कि क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है। ओवरऑल इनकी फी 18,90,000 है। बैचलर ऑफ पोस्ट स्टडी की फी 9,90,000। उसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की फी 14,90,000। बाकी तमाम प्रोग्राम्स की फीसिस आप नीचे देख सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और आपने फीस स्ट्रक्चर वाले फोल्डर इसकी वेबसाइट पे पेज पे ओपन आना है और यहाँ से आपने इजीली आकर इनकी फ़ी देख लेनी है। ये यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर वाला पेज है, यहाँ पर आप तमाम प्रोग्राम्स की फ़ी देख सकते हैं। अगर आपको ढूंढने में प्रोग्राम में मुश्किल पेश आ रही हो, तो आपने सिंपली अगर आप कंप्यूटर पर हैं, तो आपने कंट्रोल ऐप करके आपने अपना जो भी प्रोग्राम्स आपका होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे इंटर कंप्यूटर साइंस करता हूँ, तो आपने वो जब आप इंटर करेंगे, तो आपके पास इजीली जो है वो ये इनकी आ जाएगी, फीस शो हो जाएगी। तो इसमें बीएस कंप्यूटर साइंस की जो फ़ी है वो तकरीबन 18,90,000 रुपया है। पोस्ट डिग्री फी 10,30,000। और जो एमएस कंप्यूटर साइंस है उसकी फ़ी जो है वो 5,90,000 रुपया है। इस तरह आप इनकी फ़ी वगैरह देख सकते हैं। बाकी अगर हम इसमें बात करें कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह की, तो इसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप दी जाती हैं, जिसमें डॉक्टर हसन शेख मुराद स्कॉलरशिप है, एमएस स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, अलमनाई स्कॉलरशिप है, किनशिप डिस्काउंट स्कॉलरशिप है, रिमोट एरिया स्कॉलरशिप है, कॉपरेट ग्रुप डिस्काउंट है। उसके बाद स्पेशल पर्सन के लिए स्कॉलरशिप है, डिस्काउंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ शोहदा के लिए स्कॉलरशिप है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन के लिए स्कॉलरशिप है, नीड बेस्ड डॉक्टर हसन शेख इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप है। उसके बाद इसमें डिस्काउंट पॉलिसी है आईएलएम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। डिस्काउंट पॉलिसी जो है वो नॉलेज दी नॉलेज स्कूल के लिए स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद जस्टिस एआर कर्नल स्कॉलरशिप्स इसके लिए है। ये इसमें स्कॉलरशिप्स वगैरह ऑफर की जाती हैं। अगर आपने फॉल प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया है, तो सिंपली आप यहाँ से आपके अपना जो है वो देख सकते हैं कि आपका इसमें अप्लाई हुआ है कि नहीं। एक आपके पास रेफरेंस नंबर होगा, दूसरा आपके पास नेम होगा, आप दोनों से सर्च कर सकते हैं। आपने यहाँ पे आपके नेम इंटर करना है, मेरिट लिस्ट वाले फोल्डर पे आएंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सर्च पे क्लिक कर देना है। जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद पेज लोड हो जाएगा और नीचे आपको
आपके इस नाम जो आपने यहाँ मेटर किया होगा इसके रिलेटेड सारे नाम वगैरह आ जाएंगे, और इनका ये रेफरेंस नंबर आ जाएगा और इस पर वहाँ में इन्होंने अप्लाई किया था वो सारा कुछ आपके पास आ जाएगा। अगर हम बात करें इस UMT में अप्लाई करने की, तो स्टूडेंट्स इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ये इनका ऑनलाइन पोर्टल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने अपना फुल नेम इंटर करना है, ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपने अपनी लास्ट नेम इंटर करना है, उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम होगा तो वो भी आपने इंटर करना है, आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, जेंडर सेलेक्ट करनी है, CNAC नंबर, नेशनलिटी आप पाकिस्तानी है तो आपने पाकिस्तान रहने देना है, और आपने यहाँ पे कोड इंटर करना है जो कि मेरे पास ये शो रहा है। आपके पास कुछ डिफरेंट कोड जो होगा वो आपने सिंपली यहाँ पे लिख के आपने वेरीफाई कर देना है। जब आप इसको वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा इनकी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से, और नीचे आपने ये कोड इंटर करने के बाद आपने साइन इन कर लेना है। जब आप इसको साइन इन करेंगे तो उसके बाद चंद स्टेप्स होंगे जिसमें आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और आपने किस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है वो आपने उसमें अप्लाई कर देना है, तो आपका इजीली इसमें अप्लाई हो जाएगा। बाकी टेस्ट की डिटेल मांगेगा, अगर आपने कोई टेस्ट दिया होगा तो आपने उसकी डिटेल इंटर कर देनी है, अगर आपने नहीं दिया होगा तो आपने सिंपली लिख देना है कि टेस्ट वगैरह आपने नहीं दिया हुआ, तो यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट करेगी और आपको सारी डेट्स वगैरह यूनिवर्सिटी हो सकता है आपको ईमेल के थ्रू या आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपको सारा मैसेज वगैरह ड्रॉप कर दे। तो फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो यूनिवर्सिटी का विजिट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का विजिट C11 जोहर टाउन लाहौर में ये यूनिवर्सिटी वाकई है। उसके बाद नीचे इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप सिंपली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी एडमिशन के रिलेटेड कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन सिंपली आप इनसे सॉल्व करवा सकते हैं।